ग्रोसरी करते हुए सबसे ज़्यादा जो मैं ड्रेड करती हूँ वो सब्ज़ी की ख़रीदारी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने सब्ज़ी वाले से बारगेनिंग करनी होती है, फिर पता चलता है कि चूना लगा गया, टमाटर महंगे दे दिए या बीच में सड़े हुए दे दिए। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आई हूँ जहाँ पे मुझे आके तो बहुत अच्छा लगा है, एक किस्म के लाइक मज़ा आया सब्जियाँ ख़रीदते हुए, क्योंकि एक रूफ के अंडर ही यहाँ पे सब्जियाँ भी हैं और जैसे आप देख रहे हैं इतनी सारी सब्जियाँ हैं, कितनी साफ़ सुथरी, कितनी क्लीन, हर चीज़ बैंगन तक चमक रहे हैं यहाँ पे। और देखें ये गाजरें कैसी प्यारी प्यारी, क्लीन, हर चीज़ साफ़ सुथरी। मटर छिले हुए भी हैं, मटर दूसरे भी हैं, अरबी रखी हुई है साफ़ सुथरी, फलियाँ, ये नींबू हमें कहीं पे भी इतने अच्छे अच्छे नहीं मिलते, सड़े हुए गले हुए गर्मियों में तो, और नींबू पानी बनाने का इतना दिल चाहता है मगर नहीं मिलते। ये हरी मिर्चें देखें हर साइज़ की, शिमला मिर्च भी, टमाटर सारे कितने अच्छे, ये नन्हे मुन्ने से आलू, ये शायद इधर समझ नहीं आ रहा मगर ये बिल्कुल पेबल्स के साइज़ के छोटे छोटे नन्हे नन्हे आलू हैं, इतने बड़े नहीं हैं। और आगे जाके मैं इसको आप बड़े आलू के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगी तो आपको शायद समझ आए। छोटे नन्हे मुन्ने आलूओं को आप स्टीम कर सकते हैं, आप इनको उबाल सकते हैं, पुलाव में बना सकते हैं। ये दूसरे साइड पे इसी के अंदर ही इसी शॉप में यहाँ पे फ्रूट साफ़ करके रखा जा रहा है, बिल्कुल ताज़ा मौसमी फ्रूट। और ये देखें लीचियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आलूचे हैं और एप्पल्स भी हैं, ये आम हैं पेटी से ताज़ा निकले हुए, मैंने खुद यहाँ से ख़रीदे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे सर पे जो बोझ होता है कि यार आपने फल लेने हैं सब्ज़ी लेनी है, वो बोझ नहीं पड़ रहा था इधर। ये शॉप जो है ये बिल्कुल मेन कोरंगी रोड पे जहाँ पे टोटल का पेट्रोल पंप है और मैकडॉनल्ड्स है, उसी से आप इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे है, इसका नाम है द फार्मर्स मार्केट। और द फार्मर्स मार्केट में सिर्फ फ्रूट और सब्ज़ी ही नहीं है, यहाँ पे गोश्त भी है, ये गोश्त की भी दुकान है। और आपको अभी मैं वो भी दिखा दूँगी कि गोश्त भी पड़ा हुआ है और एक फ्रिज में हर किस्म की पनीर, डिफरेंट किस्म की चीज़ और कुछ ऐसे फल जो बाहर रखे नहीं जा सकते। ये देखें कितना अच्छा मैंगो, सिंदरी आजकल इतना अच्छा नहीं आ रहा है, हम लोगों ने शायद एक्सपोर्ट अच्छा वाला माल कर दिया पर यहाँ तो वो भी अच्छा अच्छा था। और ये देखें आलू जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत यूँ लग रहे हैं कैमरे में बड़े लग रहे हैं मगर ये पेबल्स के साइज़ के, देर रियली स्मॉल, बहुत मुन्ने से हैं और वो पैक्ड हैं। और मैं तो सोच रही हूँ कि इनको लाइक बॉईल करके बहुत अच्छा इनका सैलड बन सकता है, मे बी आई कुड ऑल्सो स्टीम दैम। एंड वेल आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ हेयर एंड फिर ये फ्रिज की तरफ जब मैं आई तो इसमें बहुत किस्म की डिफरेंट चीज़ है। यू नो आपकी आजकल कौन कौन सी रेसिपीज़ में आपको चीज़ चाहिए होती है, ग्रेटेड चीज़, ग्रीन एप्पल्स, ओ गॉड दे आर सो स्वीट। और बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। इसी के साइड पे आपको ये देखें लेटस भी, हर किस्म की लेटस, दे आर लाइक द लिटिल चेरी टोमेटोज, आई लव दिस फ्रिज एक्चुअली। मुझे तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है, दिल जा रहा है सब कुछ ख़रीद के घर ले जाऊँ मगर फिर पकाना भी पड़ेगा। तो दूसरे साइड पे आपको अभी गोश्त भी दिख जाएगा। तो ये जो है मेरा ख्याल से, और मैंने ये भी समझी थी शुरू में आते हुए कि मे बी इतना अच्छा रखा हुआ है तो पता नहीं क्या ये इसकी कीमतें बढ़ा चढ़ा के देंगे, नहीं वही प्राइसेस हैं जो किसी भी सब्ज़ी वाले से आपको मिलेंगी। तो ये गोश्त है, इसमें चिकन भी है, बीफ भी है, सब कुछ है। तो डू विजिट दिस शॉप जस्ट लाइक आई हैव डन इट, सो आई एम जस्ट अ कॉमन कस्टमर जो जिसने एक अच्छी चीज़ देखी तो मैंने बोला कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ।